I think what Rahul Gandhi has done has also been very impressive because there's a क्या बोला तूने? I think what Rahul Gandhi has done has also been very impressive because there's a बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने तीखे और बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, आज तक के कॉन्क्लेव में जबरदस्त हलचल मचा दी। जब सैफ अली ने राहुल की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए तो गोदी मीडिया मोदी समर्थक मानो धुआं धुआं से हो गए। दरअसल मामला कुछ यूं था कि कॉन्क्लेव में राहुल कमल सैफ अली खान का इंटरव्यू ले रहे थे और तभी कुछ ऐसा हुआ कि माहौल पूरी तरह से पलट गया। इंटरव्यू के दौरान राहुल कमल ने जब सैफ से पूछा आपको किस तरह के राजनेता पसंद है, तब सैफ अली खान ने बड़े शांत तरीके से कहा मुझे ईमानदार और साहसी नेता पसंद है। इतना सुनते ही राहुल कमल के चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीरें दिखने लगी। शायद राहुल कमल ने उम्मीद की थी कि सैफ थोड़ा इधर उधर की बातें करके बच जाएंगे, लेकिन नवाब साहब तो ठहरे सच्चाई के पुजारी। अब राहुल कमल को मामला थोड़ा बिगड़ता दिखा तो उन्होंने बातचीत का रुख मोड़ते हुए मोदी जी की तारीफों की झड़ी लगाने की कोशिश की। उन्होंने पूरी शिद्दत से कहा कि आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सैफ अली खान ने बिना समय गंवाए ऐसा जवाब दिया कि राहुल कमल और वहां बैठे दर्शक सभी सन्न रह गए। सैफ ने कहा कि राहुल गांधी जी जो भी कर रहे हैं वह बहुत इम्प्रेसिव। इस एक लाइन ने तो राहुल कमल की बोलती बंद कर दी। ऐसा लगा मानो उनकी सवालों की लिस्ट अचानक से हवा में उड़ गई हो। सैफ ने राहुल गांधी की ईमानदारी और साहस की तारीफ करते हुए उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो अपने आदर्शों पर अडिग रहते हैं और बिना डर के जनता की सेवा में लगे रहते हैं। अब राहुल कमल तो एकदम चुप हो गए, जैसे उनके सवालों की पूरी बैटरी खत्म हो गई हो। वहीं दूसरी ओर गोदी मीडिया के रिपोर्टर और मोदी भक्तों में उथल पुथल मच गई। ट्विटर पर सैफ अली खान ट्रेंड करने लगे। ट्रोल आर्मी ने सैफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोई सैफ को देशद्रोही कह रहा था तो कोई राजनीति से अनजान बता रहा था, लेकिन सैफ अली खान को इन सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो वही बोलेंगे जो उन्हें सही लगता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गोदी मीडिया के एंकर और शो होस्ट मानो सैफ अली खान के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में जुट गए। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। सैफ को राजनीति समझ नहीं है और उन्हें अपनी हद में रहना चाहिए, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया कुछ और ही थी। सोशल मीडिया पर लोग सैफ की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी राय रखी और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। सैफ अली खान की इस एक तारीफ ने मीडिया जगत में हलचल सी मचा दी, जिसका असर आने वाले कुछ दिनों में दिखने वाला है। गोदी मीडिया के चेहरे पर छाई निराशा और भक्तों की बेबसी देखते हुए लगता है कि सैफ की इस इम्प्रेसिव लाइन ने बाउंडर खड़ा कर दिया। अब देखना यह होगा सैफ को इस बयान के बाद और कितनी बार ट्रोल किया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, नवाब साहब की बेबाकी का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। फिलहाल दोस्तों वायरल हो रहे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। फिर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।